गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी आए, आप बढ़िया होंगे। तो आज मैं आया हूँ जींद के फन फेयर में। जैसा आप देख सकते हैं पीछे फन फेयर है, यहाँ पर हम सभी राइड्स आपको दिखाएंगे। बहुत सारी राइड्स है, पूरा ट्रेड फेयर है, बहुत सारी दुकानें हैं। मैं रीति के साथ आया हूँ। यहाँ पर एंट्री फीस है 20 रुपये और ज़्यादातर जो राइड्स हैं उनका किराया 60 रुपये है। एक दो राइड का 70 रुपये भी है। बच्चों से लेके बड़ों तक के सबके लिए झूले की आपको यहाँ पर राइड्स मिल जाएंगी। खाने के लिए भी बहुत सारे फास्ट फूड के ऑप्शन और जूस के ऑप्शन हैं। खरीदारी करने के लिए आपको क्रोकरी सेट, कपड़े, मतलब बहुत सारी दुकानें मिलेगी। फन गेम्स भी हैं। तो फिर चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। एंट्री करते ही मिलते हैं गणेश जी। जय गणेश जी। मेन तो हम इंटरेस्टेड इस बड़े से झूले के लिए हैं। बड़े से झूले की कॉस्ट है 60 रुपये पर पर्सन। ऋषिक जी, कैसा लग रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं कह सकते कैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट है, आई थिंक एल्स। ओके, चलो चलते हैं। कोलंबस में बहुत ऊपर वाला, बहुत ऊपर जाता है ये, देखने में लग रहा है। चलो फिर चलते हैं, उसकी भी 60 रुपये की टिकट है। अब इसमें आ गए हैं, ये ऊपर जाता है ऐसे गोल गोल घूमते हुए। हेलो गाइस, हेलो बोलो। हेलो हेलो, अरे दोनों आएंगे। झूले से आ गए हैं, उसमें कुछ भी मजा नहीं आया। अब देखते हैं, अब राइड तो यहाँ और कुछ बची नहीं, बस थोड़ी मोटी शॉप है। शोर बहुत हो रहा है, मैं वॉइस ओवर में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, जींद के इस फन फेयर में आपको अडल्ट की मेनली 4 राइड्स मिलेगी। ये 4th ऑक्टोपस वाली थी, उसके अलावा ज़्यादातर राइड्स बच्चों की ही है, जैसे ये ट्रेन राइड हो गई, मिकी माउस वाली राइड हो गई, इनको देख के तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। उसके अलावा एक बोटिंग वाली राइड है छोटी सी, बहुत कम पानी है जिसमें बच्चे बोटिंग कर सकते हैं, और भी एरोप्लेन वाली, बस वाली और ट्रैम्पोलिन, ये सब बच्चों की राइड्स हैं।
इन राइड्स के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे सिंगिंग डांसिंग का स्टेज है, आप डांस कर सकते हैं, आपको डांस करना पसंद है तो। उसके साथ यहाँ पर टैटू की भी एक शॉप मिल जाएगी, अगर आपको टैटू में इंटरेस्ट है तो आप टैटू बनवा सकते हैं, परमानेंट टेम्परेरी जैसा भी। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फन गेम्स हैं, जैसे बैलून वाले हैं या फिर वो छल्ला फेंको और इनाम निकालो, बॉल्स डालो। वैसे आपको सब बता दूँ, ये सब गेम्स ज़्यादातर फ्रॉड ही होते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए चाहे तो आपका कोई इनाम निकलेगा ही नहीं, या फिर अगर आप 50 रुपीज़ डालेंगे तो सिर्फ 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ का आपको गिफ्ट मिलेगा, तो इनसे बच के रहिए। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेड फेयर है, यानी आपको हर तरह की दुकान मिल जाएगी, आपको कपड़ा लेना है, आपको नेल पॉलिश लेनी है, बच्चों के खिलौने की शॉप्स आपको बहुत सारे मिल जाएगी, और नेल पॉलिश, नेल पेंट रिमूवर भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और अगर आपको अपने लिए सर्दी के कपड़े लेने हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं। हाउस होल्ड आइटम्स की भी आपको यहाँ पर दुकानें मिल जाएंगी, अगर आपको किचन का सामान लेना है उसके लिए भी, क्रोकरी का सामान लेना है, सब तरह की आपको खेल खिलौने सब आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज़्यादातर स्टॉल्स फास्ट फूड के ही हैं, और बनारसी पान का भी एक स्टॉल हमने देखा था, लेकिन हमने तो सिर्फ वहाँ पर एक जूस कॉर्नर पे जूस पिया था। जूस भी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग, सबसे सस्ता 10 रुपये का एक गिलास मिल रहा था, गिलास काफ़ी छोटा था पर 10 रुपये के हिसाब से तो सही था, तो मैंने और ऋतिक ने एक गिलास पाइनएप्पल जूस पी लिया था। उसके बाद यहाँ पर एक वसूली भाई की कुल्हड़ चाय भी थी और पोटैटो ट्विस्टर भी थे, वसूली भाई से जल्दी लेना क्योंकि उन्हें कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके बाद यहाँ पर स्वीट कॉर्न्स के लिए भी थी, भेलपुरी की भी शॉप थी, पर स्वीट कॉर्न देखते ही मन में लालच आ जाता है तो इसलिए मैंने और ऋतिक ने एक एक प्लेट स्वीट कॉर्न भी लिए थे। यहाँ पर स्वीट कॉर्न का प्राइस छोटे गिलास के लिए 30 रुपये था, बाकी बड़ा मीडियम गिलास 40 और बड़ा गिलास 50 रुपये का। गाइज ये बड़े अच्छे हैं, कैसे लग रहे हैं आपको? एक ये चीज़ है जो अब तक बहुत अच्छी लगी है, कोलंबस भी बहुत बढ़िया था, कोलंबस को छोड़ के दूसरे नंबर पे ये। अबे जल्दी खींच, कल सुबह पंद्रह निकलना है। तो गाइज हम आ गए हैं फनफेयर से, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, आप पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं। ये 4 दिसंबर तक फनफेयर है, यहाँ पे 20 रुपये एंट्री टिकट है, ज़्यादातर राइड्स 60 रुपये की है और एक दो राइड 70 की भी है, और बच्चों से लेके बड़ों की राइड्स आपको मिल जाएगी, और ट्रेड फेयर भी है यहाँ पे, आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, कपड़े, क्रॉकरी, मतलब खिलौने भी थे बच्चों के, काफ़ी सारी दुकान थी, टैटू की थी, खाने के लिए भी आपको फास्ट फूड, फ्रूट जूस, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा।